वालेकुम मैं कुलसुम सलीम और आज हम समझेंगे न्यूक्लियस और कैरियन यानी कि हम इसको न्यूक्लियस भी कह सकते हैं और कैरियन भी कह सकते हैं न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइड द सेल यानी कि न्यूक्लियर जो है ना अट्ठारह सौ इकतीस में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोमिनेंट है ना जो एलिमेंट है सेल का इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है यानी न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो है वो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है इट मे भी फेरिकल और इरेग्युलर इन शेप जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर उसकी शक्ल गोल भी हो सकती है और इरेग्युलर भी हो सकती है इन एनिमल सेल इट इज यूजली प्रेजेंट इन द सेंटर बट इन एनिमल सेल ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ लार्ज वैक्यूल इट इज पुश्ड टू वर्ड्स सेल मेम्ब्रेन यानी कि एनिमल्स का जो जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियर सेंटर में मौजूद होता है बीच में मौजूद होता है लेकिन जो प्लांट का सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियर होता है वो सेल मेम्ब्रेन से चिपका हुआ होता है वो इस वजह से चिपका हुआ होता है क्योंकि प्लांट के सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है वो वैक्ल उस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ न्यूक्लियर न्यूक्लियस इज इनवेलब बाय अ डबल मेम्ब्रेन कार्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर होता है वो डबल मेम्ब्रेन होती है हो उसके ऊपर सही है इन्वेल्प यानी कवर हुआ हुआ होता है डबल मेम्ब्रेन से जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है दिस मेम्ब्रेन पजेस्ड पजेस्ड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पॉर्स इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे पॉर्स मौजूद होते हैं यानी छेद मौजूद होते हैं न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होते हैं पोर्स किसे बोलते हैं छेदों छेद हॉल हॉल मौजूद होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस इज फील्ड विथ अ जेल लाइक सब्सटेंस कार्ड न्यूक्लियो अच्छा न्यूक्लियर जो है उसके अंदर पानी की तरह एक फ्लूड मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियो प्लाजम कहा जाता है द न्यूक्लियो प्लाजम कंटेंस न्यूक्लियाई एंड अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कार्ड क्रोमेटिन मटेरियल जो न्यूक्लियो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और धागे की तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं और इस धागों को द थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ईच थ्रेड इज कार्ड क्रोमोसोम्स जो जो थ्रेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद वो थ्रेड जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो प्रोमिनेंट हो जाते हैं नुमाया हो जाते हैं नुमाया हमें नजर आने लग जाते हैं तो उन धागों को फिर कहा जाता है क्रोमोसोम्स दिस दिस क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट ये जो क्रोमोसोम्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हामिल होते हैं दे आर कम्पोस्ट ऑफ डी न्यूक्लिक एसिड यानी कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से बने हुए होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं और डीएनए का फुल नेम होगा डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसड डी एन ए इन सिग्निफिकेंट्स सिग्निफिकेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स एज वेल एज इन कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग द सेल जो डीएनए एन हैं वो एक नुमाया किरदार अदा कर रहा होता है इंसान की वसाती तौर पे जो करैक्टर होते हैं यानी माँ बाप से जो पेरेंट्स में न, है ना करैक्टर इनहेरिट इनहेरिट होते हैं उसके अंदर नुमाया रोल प्ले कर रहा होता है ठीक है और ये इस काम ये मतलब माँ से जो बच्चों में न, है ना ट्रांसफ़र होते हैं करेक्टरिस्टिक उस फंक्शन को रेगुलेट रखता है उस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट रखता है और उसको ही कंट्रोल भी करता है ये ठीक है डीएनए डीएनए इसको कंट्रोल भी कर करता है ठीक है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट हर स्पीशीज़ में हर इंडिविजुअल में हर स्पीशीज़ जो होगी उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कांस्टेंट रहते हैं सही है हर स्पीशीज में जैसे इंसान है तो उसके 46 है तो हर इंसान में 46 ही होंगे फ्रॉग अगर फ्रॉक लिया है हमने फ्रॉक लिया है उसके क्रोमोसोम सोम्स ट्वेंटी सिक्स ही होंगे हर क्रोमोसोम्स हर फ्रॉक्स के क्रोमोसोम्स ट्वेंटी सिक्स ही होंगे तो ये कांस्टेंट है हर हर उसमें कांस्टेंट ही रहते हैं हर, हर स्पीशीज जो स्पीशीज़ है ना उस स्पीशीज़ में कांस्टेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज